हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर वंदना सांखला, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खेरवाड़ा। आज मैं आपको पैंक्रियास की एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी के बारे में बताऊंगी, जो कि बीएससी फाइनल ईयर का एक टॉपिक है। पैंक्रियास एक इलॉन्गेटेड 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा ऑर्गन होता है, जिसमें मेनली 3 पार्ट होते हैं। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये हेड वाला पार्ट होता है, ये बॉडी है और ये टेल है। जो पैंक्रियास का हेड वाला पोर्शन होता है, वो डियोडेनम, जो एक सी शेप का स्ट्रक्चर बनाती है या जो एक कर्व बनाती है, उस कर्व में पैंक्रियास का हेड वाला पार्ट प्रेजेंट होता है। ये पैंक्रियास जो एक ग्लैंड है, यह स्टमक के पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होती है और इसकी ये जो पार्ट है, ये बॉडी और टेल जो होते हैं, वो लैटरली एक्सटेंड किए हुए होते हैं। ये टेल स्प्लीन को टच किए हुए होती है। पैंक्रियास को हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शन होते हैं। एक्सोक्राइन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन करती है, और एंडोक्राइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हार्मोन का सिक्रीशन करती है। इसलिए पैंक्रियास जो है, एक मेन एंजाइम प्रोड्यूसिंग एक्सेसरी ग्लैंड है डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करती है, इसलिए हम इसे मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। एक्सोक्राइन पोर्शन इसका लगभग टोटल जो मास है, उसका 85% जो है वो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है और वाटर और बाइकार्बोनेट्स का भी सिक्रीशन करता है, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और जो एंडोक्राइन पोर्शन है, वो हार्मोन जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टेटिन का सिक्रीशन करता है। तो इसीलिए पैंक्रियास को हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पोर्शन दोनों प्रेजेंट होते हैं। यहाँ आप पैंक्रियास का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये ड्यूओडेनम का जो कर्व है, उस कर्व में पैंक्रियास प्रेजेंट होता है। ये पैंक्रियास का हेड होता है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, जो फ्लावर शेप के हैं, इनको अपन बोलते हैं पैंक्रियाटिक आइलेट बोलते हैं। क्लियर? ये पैंक्रियाटिक आइलेट, मतलब कि जिसको हम आइलेट ऑफ लैंगरहैंस भी बोलते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती है जिनसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन का सिक्रीशन होता है, और ये पैंक्रियाटिक हॉर्मोन्स कहलाते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? ये पूरी पैंक्रियाटिक डक्ट है। ये पैंक्रियाटिक डक्ट होती है और इसके यहाँ पर ये एसिनार सेल्स प्रेजेंट होती है। ये एसिनार सेल्स जो होती है, वो एक्सोक्राइन फंक्शन होता है इनका। और जो ये फ्लावर शेप की सेल्स थी, जिनको हमने आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा था, उनका एंडोक्राइन फंक्शन होता है और इन एसिनार सेल्स का एक्सोक्राइन फंक्शन होता है। ये जो सेल्स थी, ये हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करती है, और ये एसिनार सेल्स जो है, वो एंजाइम्स का सिक्रीशन करती है। क्लियर? तो एसिनार सेल्स सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है पैंक्रियाटिक आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, जो कि एंडोक्राइन पोर्शन होता है और ये हार्मोन का सिक्रीशन करता है। इसके चारों तरफ आप जो सेल्स देख रहे हैं, ये सारी सेल्स, इन सेल्स को हम बोलते हैं एसिनर सेल्स। ये देखिए, एसिनस जो सिंगुलर है वो एसिनस होता है, और जो प्लूरल है उसे अपन एसिनाइन बोलते हैं। एसिनाइन का फंक्शन एक्सोक्राइन होता है और आइलेट ऑफ लैंगरहैंस का फंक्शन एंडोक्राइन होता है। एक्सोक्राइन पोर्शन के अंदर पैंक्रियाटिक एसिनाइन सेल्स होती है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, और जो एंडोक्राइन पोर्शन होता है, जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है, जो हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करता है। इसकी हिस्टोलॉजी की स्लाइड में हम देखते हैं कि ये जो बड़ा सा पोर्शन दिख रहा है, ये एंडोक्राइन पोर्शन है, और जो ये भी एंडोक्राइन पोर्शन है, और ये जो छोटे छोटे यहाँ पर आपको एसिनाइन दिख रहे हैं, ये एक्सोक्राइन पोर्शन है। ये बड़ा वाला फिर आप देख सकते हैं, जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ देखा था, वो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है, और इसके पास में ही यहाँ पर सेंट्रोएसिनर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये वाली एसिनस है, इसको भी अपन एसिनस बोलते हैं, और ये इंटरकैलेटेड डक्ट प्रेजेंट होती है, जो कि एसिनस को सेपरेट करती है एसिनाइन को। ये एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक एसिनाइन है, जो हार्मोन का सिक्रीशन करेगी। की फैक्ट्स अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ द पैंक्रियास। एक्सोक्राइन पैंक्रियास जो पैंक्रियास का एक्सोक्राइन पोर्शन होता है मेनली, वो एसिनाइन होती है, जिनको हम पैंक्रियाटिक एसिनाइन सेल्स बोलते हैं, या एसिनर सेल्स कहलाती है, और सेंट्रो एसिनर सेल्स होती है। ये एसिनर सेल्स क्या करती है? कुछ एंजाइम्स का सिक्रीशन करती है, इसमें पेप्टाइडेज,
लाइपेजेस एमाइलोलिटिक एंजाइम्स एंड न्यूक्लियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। पेप्टाइडेस प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, लाइपेजेस लिपिड का करते हैं, और एमाइलोलाइटिक स्टार्च का डाइजेशन करते हैं, और न्यूक्लियोलाइटिक एंजाइम न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करते हैं। एंडोक्राइन पैंक्रियास के बारे में अगर हम देखें तो इसकी सिक्रेटरी यूनिट होती है आइलेट ऑफ लैंगरहंस। इसमें फोर टाइप्स की सेल्स होती है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड पीपी सेल्स। यह हम देख सकते हैं इस डायग्राम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली जो आपको पिंक कलर में, डार्क पिंक में दिख रही है, उन्हें हम बोलते हैं अल्फा सेल्स, और जो लाइट पिंक में आपको दिखती है सेल्स उनको हम बोलते हैं बीटा सेल्स। और ये जो ब्लू कलर की सेल्स बाहर की तरफ दिख रही है, ये पैंक्रियाटिक एसिनर सेल्स होती है जो कि एक्सोक्राइन पोर्शन का काम करती हैं, एक्सोक्राइन पोर्शन होती हैं। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा सेल्स जो मेनली होती हैं, और इस डायग्राम में आप देखेंगे कि पेरिफेरी के अंदर आपको यहाँ पर अल्फा सेल्स दिख रही है, और ये जो येलो कलर की है सेल्स इनको बीटा सेल्स बोलते हैं, और वाइट कलर की सेल्स को हम डेल्टा सेल्स बोलते हैं। ओके, तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि जो एंडोक्राइन पोर्शन होता है उसमें अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड पीपी सेल्स होती है जो इंसुलिन, ग्लूकागन और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का सेक्रेशन करती हैं। और डिस्टिंग्विश हिस्टोलॉजिकल फीचर इसका क्या है कि इसमें आइलेट ऑफ लैंगरहंस प्रेजेंट होते हैं, जो अभी हमने देखे थे यहाँ पर। ये स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टिंक्टली विजिबल होते हैं, इनको हम आइलेट ऑफ लैंगरहंस कहते हैं। और एसिनाई के बीच में इंटरकलेक्टेड डक्ट्स की बिगिनिंग होना भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोलॉजिकल फीचर होता है। और क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जो इससे जो हॉर्मोन सिक्रीट होते हैं उनके डिस्टर्बेंस से डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। हिस्टोलॉजी ऑफ पैंक्रियास। एक्सोक्राइन पोर्शन, हमने पहले भी देखा था कि जो पैंक्रियास का एक्सोक्राइन पोर्शन होता है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है, लगभग 85% पार्ट पैंक्रियास का एक्सोक्राइन पोर्शन होता है। इसमें बहुत सारी लोब्यूल्स होती है जिनको हमने एसिनाई कहा था, आपने पहले भी डायग्राम में देखा है कि ये जो आपको छोटी छोटी सी दिख रही है ये सारी क्या है, एसिनाई है। ये एसिनाई पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करती है, और ये एसिनाई कहाँ पर इस जूस को ले जाती है, स्मॉल डक्ट्यूल्स में ले जाती है, और ये डक्ट्यूल्स मिलकर के फिर क्या बनाती है, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट्स। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पैंक्रियास के अंदर एसिनाइस प्रेजेंट होगी, वो एसिनाई पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करेगी, और वो डक्ट्यूल्स के थ्रू कहाँ आ जाएंगे, इस पैंक्रियाटिक डक्ट में आ जाएंगे। इस डक्ट को हम बोलते हैं डक्ट ऑफ विर्सिंग बोलते हैं, और ये डक्ट एक कॉमन बाइल डक्ट जो यहाँ पर लीवर के उससे आती है, तो वो यहाँ पर आकर के किससे जुड़ जाती है, इस डक्ट ऑफ विर्सिंग से या मेन पैंक्रियाटिक डक्ट से जुड़ जाती है। जब ये इससे जुड़ती है तो इन दोनों के जुड़ने के बाद में जो एक कॉमन डक्ट बनती है उसको बोलते हैं हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। इसको हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट इसलिए बोला है क्योंकि इसमें पैंक्रियास से आने वाली डक्ट भी जुड़ी है और लीवर से आने वाली डक्ट भी जुड़ी हुई है। इन दोनों के जुड़ने से जो एक कॉमन डक्ट बनी है, इसीलिए हम इसे कॉमन हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। कभी कभी पैंक्रियास के अंदर एक एडिशनल डक्ट भी प्रेजेंट होती है जिसको हम एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं, या फिर हम उसे बोलते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। एंडोक्राइन पोर्शन, हमने पढ़ा था कि एक्सोक्राइन पोर्शन जो है लगभग 85% पैंक्रियास का पार्ट एक्सोक्राइन होता है और 15% एंडोक्राइन पोर्शन होता है। इसमें मेनली आइलेट ऑफ लैंगरहंस प्रेजेंट होते हैं जिसमें मेनली फोर टाइप की सेल्स होती है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड एफ सेल्स। अल्फा सेल्स टोटल आइलेट्स की जो सेल्स होती हैं उनका 25% पार्ट बनाती हैं, और ये आपने डायग्राम में भी यहाँ देखा था, सॉरी ये देखिए अल्फा सेल्स जो होती है ये पिंक कलर की सेल्स हैं जो पेरिफेरी वाले पार्ट में प्रेजेंट होती हैं। ये ग्लूकागोन हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं, और ये ग्लूकागोन हार्मोन होता है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, इसीलिए हम इसे हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर कहते हैं। दूसरी सेल्स होती है बीटा सेल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि येलो कलर की सेल्स है, ये बीटा सेल्स बनाती हैं, और ये बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है, इनका नंबर भी ज़्यादा होता है, और ये ग्लूकोज के लेवल को कम करती है, इसीलिए हम इसे हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर कहते हैं। डेल्टा सेल्स, डेल्टा सेल्स टोटल आइलेट की जो सेल्स हैं उनका 10% पार्ट डेल्टा सेल्स बनाती हैं,
और ये जो हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं, ये आप देख सकते हैं वाइट कलर की सेल है जो डेल्टा सेल है, ये जो हार्मोन का सिक्रीशन करती है उसे हम बोलते हैं सोमेटोस्टेटिन, जो कि ग्रोथ इनिबिटिंग हार्मोन होता है या ग्रोथ इनिबिटिंग फैक्टर होता है। एफ सेल्स या पीपी सेल्स, ये सेल बहुत कम होती है और अल्फा सेल्स के बीच में रैंडमली प्रेजेंट होती है, उनको हम पीपी सेल्स बोलते हैं, जो अभी यहाँ पर अपने डायग्राम में शो नहीं हो रही है। ये सेल पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का सिक्रीशन करती है, इसीलिए इसका नाम पीपी रखा गया और इसका फंक्शन अननोन है। ऐसा माना जाता है कि ये पैंक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को इनहिबिट करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मेनली सेल्स थी वो पेरिफेरी में अल्फा सेल्स है, बीच बीच में यहाँ पर डेल्टा सेल्स है, और जो नंबर में ज़्यादा है वो बीटा सेल्स है, और सेंटर वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। ये हिस्टोलॉजी की स्लाइड में भी आप देख सकते हैं, जो डार्क कलर की सेल्स आपको दिख रही हैं वो हैं अल्फा सेल्स, और जो लाइट कलर की सेल्स हैं वो कहलाती है बीटा सेल, जो इंसुलिन का सिक्रीशन करती है, अल्फा सेल ग्लूकागोन का सिक्रीशन करती है, और ये बाहर की तरफ आपको दिख रही है ये है जो पैंक्रियास का एक्सोक्राइन पोर्शन होता है, जो एसिनर सेल्स के थ्रू बना होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये पार्ट तो है ड्यूओडेनम का सी शेप का कर्व होता है, इसमें पैंक्रियास प्रेजेंट होता है, ये आपको पैंक्रियाटिक मेन पैंक्रियाटिक डक्ट दिखती है, और ये जो कॉमन बाइल डक्ट आती है उससे जुड़ जाती है, और ये कॉमन हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू इसमें ओपन हो जाती है। ये पोर्शन आपको एसिनाई का दिख रहा है, जो पैंक्रियास का एक्सोक्राइन पोर्शन होता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है, और ये डक्ट्यूल्स के थ्री, ये जो डक्ट्यूल्स आपको दिख रही है, इन डक्ट्यूल्स के थ्रू ये अपना सिक्रीशन जो है वो डक्ट में डाल देते हैं। क्लियर, ये आपको यहाँ पर दिख रही है, ये सारी जो एसिनाई है ये एसिनर सेल्स है, और ये सारी इसकी ओपन होने वाली डक्ट्स हैं, ये अपना सिक्रीशन इस डक्ट के अंदर डाल देते हैं, और फिर ये यहाँ पर ये कहाँ ओपन हो रही है, कॉमन जो यहाँ पर आप पैंक्रियाटिक डक्ट दे रहे हैं देख रहे हैं, ये वही डक्ट है, इसमें ये ओपन हो जाती है। यहाँ पर आप इसका एंडोक्राइन पोर्शन देख रहे हैं, एंडोक्राइन पोर्शन के अंदर ये वाला जो पार्ट है वो तो क्या है, एसिनस वाला है, जो कि एक्सोक्राइन पोर्शन है, और ये जो आपको बीच में पार्ट दिख रहा है जिसको अपन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस बोला है, वो कौन सा पोर्शन है, एंडोक्राइन पोर्शन से। यहाँ पर आपको ये जो ब्लू कलर के अंदर सेल दिख रही है वो है अल्फा सेल्स, और ये जो पर्पल कलर की सेल्स आपको दिख रही है ये वाली सेल्स कौन सी हो जाती है, बीटा सेल्स, जो कि इंसुलिन का सिक्रीशन करती है और सेंटर में होती है। अल्फा सेल जनरली पेरिफेरी में होती है, तो अल्फा सेल्स होती है, बीटा सेल्स होती है, इनके बीच में यहाँ पर डेल्टा सेल्स प्रेजेंट होती है जो क्या करती हैं, सोमेटोस्टेटिन का सिक्रीशन करती है। ये ब्राउन कलर की सेल होती है पीपी सेल, जो पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का सिक्रीशन करती है। इसी टाइप से बीच में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से जो कौन सा पार्ट बनाता है, एंडोक्राइन, और जो पेरिफेरी पर है वो एसिनाई वाला पार्ट है जो कि एक्सोक्राइन पोर्शन को बनाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पैंक्रियास का एक्सोक्राइन पोर्शन है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है, और कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं, उसमें प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, स्टार्च का डाइजेशन करने वाले एमाइलोलिटिक एंजाइम, लिपिड या फेट का डाइजेशन करने वाले लाइपोलिटिक एंजाइम, और न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करने वाले न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं। तो फर्स्ट हम प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। इसमें एक ट्रिप्सिनोजन होता है, वो एक ये एक टाइप का जाइमोजन है, मतलब इनएक्टिव फॉर्म है। ट्रिप्सिनोजन एंटरोकाइनेज एंजाइम के थ्रू ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। उसी टाइप से सेकेंड एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है वो होता है काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं काइमोट्रिप्सिनोजन। तो ट्रिप्सिन एंजाइम की हेल्प से काइमोट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और एक होता है प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज बी, जो क्या बनाते हैं, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बनाते हैं, ये भी प्रोटीन का डाइजेशन करता है। एक प्रोइलास्टेजेस होता है जो क्या बना देता है, इलास्टेज बनाता है। तो ये सारे प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। एमाइलोलिटिक एंजाइम में आता है पैंक्रियाटिक एमाइलेज, जो स्टार्च का डाइजेशन करता है। लाइपोलिटिक एंजाइम में होता है पैंक्रियाटिक लाइपेज और कोलिपेज। न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम, जो न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करते हैं, डीएनए का डाइजेशन करने वाले को डीएनएस बोलते हैं, और आरएनए का डाइजेशन करने वाले को आरएनएस कहते हैं। अब पैंक्रियास का क्या फंक्शन होता है, हमने देखा था इसके दो पार्ट थे, एक एक्सोक्राइन था और एंडोक्राइन था। जो एक्सोक्राइन पोर्शन है वो तो डाइजेशन में हेल्प करता है, और एंडोक्राइन पोर्शन के क्या क्या फंक्शन है, तो एंडोक्राइन पोर्शन में हार्मोन सिक्रीट होते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है इंसुलिन,
जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करता है, मतलब मेंटेन करके रखता है। तो इंसुलिन का मेन फंक्शन तो क्या है कि इंट्रासेलुलर ग्लाइकोलाइसिस को एक्टिवेट करके ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को स्टिमुलेट करना, और दूसरा फंक्शन ये होता है कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस के प्रोसेस को इनिबिट करना। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब होता है ग्लाइकोजन का लाइसिस होना, क्योंकि ग्लाइकोजन का लाइसिस होगा तो क्या बनेगा, ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। लेकिन इंसुलिन हार्मोन तो क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, इसलिए ग्लाइकोजिनोलाइसिस के प्रोसेस को ये इनहिबिट कर रहा है। तो इस टाइप से अपन देखते हैं कि ये ग्लूकोज का ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोरेज को तो स्टिमुलेट करता है, लेकिन ग्लाइकोजिनोलाइसिस को ये इनहिबिट करता है। इसका दूसरा फंक्शन होता है कि लिपिड ऑक्सीडेशन को और प्रोटीन कैटाबॉलिज्म को भी इनहिबिट करता है। सेकेंड हार्मोन होता है ग्लूकागोन, जो कि इंसुलिन का एंटागोनिस्टिक हार्मोन होता है। इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, तो ग्लूकागोन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। ये जो होता है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस के प्रोसेस को इनहिबिट करता है, मतलब ग्लाइकोजन के टूटने को रोकता है ताकि ग्लूकोज नहीं रिलीज हो या कम रिलीज हो। और इस केस में जस्ट रिवर्स हो जाएगा कि ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रमोट करेगा या स्टिमुलेट करेगा, जिससे ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा और ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। तो ये क्या करता है कि ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है और प्रोटियोलिसिस और लाइपोलाइसिस को भी ये बढ़ाता है। दूसरा ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का बनना। तो इसका मतलब इसमें भी क्या होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस अगर प्रमोट होगा तो ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ेगा। इसीलिए ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, किसके थ्रू, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को प्रमोट करके। तो यहाँ पर हमने देखा कि ग्लूकागोन का जो फंक्शन था जस्ट इंसुलिन के एंटी फंक्शन होता है। अब एक और फंक्शन ये होता है कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब जो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को ये प्रमोट करता है ताकि ग्लाइकोजन से क्या बने, ग्लूकोज बने, और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बढ़ेगा तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में हाई हो जाएगा। सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन इंसुलिन के रिलीज को और ग्लूकागोन के रिलीज को क्या करता है, इनहिबिट करता है। सोमेटोस्टेटिन हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होने वाले हार्मोन के ही आइडेंटिकल है, और ये ग्रोथ हार्मोन का भी इनहिबिशन करता है। इसका नाम ही होता है ग्रोथ इनहिबिटिंग फैक्टर या ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, इसीलिए ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है। और साथ ही ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, उसको भी ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। डायबिटीज मेलिटस। हमने अभी यहाँ पर मेन जो हार्मोन पढ़े हैं वो एक इंसुलिन पढ़ा है और एक ग्लूकागोन पढ़ा है। इंसुलिन हार्मोन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है, मतलब उसको ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, जबकि ग्लूकागोन ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। तो डायबिटीज मेलिटस एक ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसमें ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। और ये कैसे बढ़ता है, जब इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो ठीक से काम नहीं करता है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि इंसुलिन हार्मोन किस टाइप से अफेक्ट करता है हमारी बॉडी को, इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी हम देखते हैं यहाँ पर। तो हमने देखा है कि ये जो डिसऑर्डर होती है डायबिटीज मेलिटस, जो कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये दो टाइप की होती है, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटिक मेलिटस जो होती है इसको हम जुवेनाइल डायबिटीज और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहते हैं। ये जनरली यंग एज में या फिर बिफोर 20 एज भी देखी जा सकती है। ये इसमें इंसुलिन का इनएडिक्वेट प्रोडक्शन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मेन बीटा सेल्स होती है जो कि इंसुलिन का सिक्रीशन करती है, उन बीटा सेल का ही ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और उसके डिस्ट्रक्शन हो जाने के कारण इंसुलिन का प्रॉपर प्रोडक्शन उनसे नहीं हो पाता है। इसलिए इंसुलिन का प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, और जिससे डायबिटीज मेलिटस हो जाती है। तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ तो जाता है, और इसी के साथ में सेल के अंदर ग्लूकोज की एंट्री जो होती है वो बाधित हो जाती है, जिससे ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो सेल्स में जा ही नहीं पाया, सेल यूटिलाइज ही नहीं कर पाई, इसलिए ब्लड में ग्लूकोज का लेवल एलिवेट हो जाता है। इस टाइप की डायबिटीज अर्ली एज में देखी जा सकती है, मतलब बिफोर 20 एज। टाइप 2 डायबिटीज वो किस कारण होती है, अब यहाँ पर आप दोनों में डिफरेंस देखिएगा कि टाइप 1 डायबिटीज़ में तो इंसुलिन का इनएडिक्वेट प्रोडक्शन हो रहा है,
और टाइप 2 डायबिटीज जिसको अपन इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं, इसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर इंसुलिन का नॉर्मल लेवल है, इवन हाई लेवल भी है, तो उस कंडीशन में भी ये जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज को सेल में जाने से रोक रहा है। तो इस कंडीशन में आप देखोगे कि जब ग्लूकोज सेल में नहीं जा रही है इंसुलिन के होने के बावजूद भी, तो क्या होगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो ये इस टाइप की डायबिटीज जो होती है जिसमें क्या हो रहा है कि इंसुलिन के लिए जो रेस्पॉन्स है वो इनएडिक्वेट हो रहा है। और जो पहली टाइप 1 डायबिटीज में देखा था वहां पर आपने देखा था कि यहाँ पर इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन हो रहा है, इंसुलिन का प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉपर सेल्यूलर रेस्पॉन्स नहीं हो पा रहा है। तो इस कारण से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, और ये जनरली एज ऑफ 40 में होती, मतलब 40 की एज में होती है, या फिर उसके बाद भी देखी जा सकती है, और जो ओवरवेट इंडिविजुअल्स होते हैं उसमें जनरली टाइप 2 डायबिटीज देखी जाती है। थैंक यू।